Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. My God. Thank you, ma'am. You were house on fire. Yeah. Thank you, ma'am. You know, I'm a girl. और जब मुझे डांस करना होता है तो मुझे हील्स बिल्कुल पसंद नहीं है बिकॉज आई फील इट्स रियली हार्ड टू डांस इन हील्स. लेकिन आप लोगों ने सिर्फ डांसिंग ही नहीं समरसॉल्ट्स किए यार हील्स में. कितना मुश्किल होता है वो. आपको मेरा हुनर सलाम. थैंक यू मैम. कैसे डिसाइड किया आपने कि आपको ये स्टाइल करना है? मैम ये चीज भी हम लोगों की बहन ने डिसाइड किया, रोशनी ने. उसने हम लोगों को आइडिया दिया कि भाई तुम ऐसा कुछ ट्राई करो. वाओ, इस आइडिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार. मेरा एक सवाल ये है कि रोशनी आपने इनको आइडिया तो दिया, हील्स में डांस करने का आइडिया क्यों दिया? क्यों हील्स? सर वीडियो देखा था मैंने, सोचा ये कभी आए काफी बार यहाँ पे पर कभी ये सिलेक्ट नहीं हो पाए. ये मेरे को बुरा लगता था तो मैंने एक बार वीडियो देखा और मैंने इन्हें बोला कि कोई ना आप ये लोग ट्राई कर सको. तो इन्होंने ट्राई किया और आज ये यहाँ पे है. और मेरे को लगता है कभी कभार कि ये आइडिया मैंने इन्हें क्यों दिया. हाँ. क्योंकि लोग इन्हें बहुत बुरा भला बोलते हैं जब ये डांस करते हैं हील्स पहन के. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर. मेरे को एक चीज बहुत सही लगी, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. आप लोग चंडीगढ़ से हो, मैं भी चंडीगढ़ से हूँ. हमारे इधर के मर्द थोड़ा ज्यादा मर्द समझते हैं अपने आप को. करेक्ट, है ना? वो हील पहन के डांस करेगा. सर अभी भी बोलते हैं लोग. हाँ, मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगे ना लगे, कि वो अभी भी बोल ही रहे हैं तुम इस मंच पर आकर डांस करके ऐसी की तैसी कर रहे हो. जी, थैंक यू सर. आप लोगों की बातें मत सुना करो ना. वो आपके घर राशन पानी तो नहीं भेजते, थोड़ी दे रहे हैं. उनको खुद के घर नहीं होगा जो ऐसी बातें करते हैं. इस चीज की नहीं टेंशन लेते. जब रोशनी ने बोला कि भाई आप हील पहन के डांस करो तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था सबसे पहला? सर एक ही तो बहन है, इसकी ना सुने फिर किसकी सुने. बात खत्म हो. क्या बात है, खत्म, बात खत्म है. एक ही तो बहन. बहन मैं भी आज हील पहन के डांस कर लूं तेरे लिए. ले आओ मेरी हील, ले आओ. ना पहले से शाय समझ में कुछ न आए, बोलो ना क्या किया जाए. खुश हूँ मैं इतना क्यों, तुझको तवज्जो में क्यों. जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू. ब्रदर्स, रोशनी बड़ा डिफिकल्ट है हील्स में डांस करना यार. तुम कैसे करते हो मुझे नहीं समझ आता. ये समर सॉल्ट मार रहे थे हील्स में. बहुत अच्छा लगा मुझे. यू गाइस वर आउटस्टैंडिंग. मेरी तरफ से बहुत बड़ी प्यार भरी हाँ है. थैंक यू मैम. थैंक यू. हमारी तरफ से हाँ, हमारी तरफ से आपके लिए. हम छत्तीसगढ़ से आए हैं. क्या नाम है आपके इस ग्रुप का? हमारे ग्रुप का नाम अबुजमाड़ मलखम एंड स्पोर्ट्स एकेडमी है. ये किसने रखा है ये नाम? ये नाम हमारे कोच ने रखा है. नमस्कार, आइए आइए. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. मेरा नाम मनोज प्रसाद है. मैं छत्तीसगढ़ में आज 10 सालों से हूँ. मैं छत्तीसगढ़ के स्पेशल टास्क फोर्स में कार्यरत भी हूँ. भागते भी बहुत अच्छा है, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, पहाड़ियाँ चढ़ते हैं. तो हमने इसीलिए एक मलखम खेल से इनकी शुरुआत किया और अबुजमाड़ मलखम अकादमी का निर्माण हुआ.
ये बच्चे गिरते हैं, लगता है इनको चोट, रोते भी है मगर हार नहीं मानते हैं। ये जो सबसे छोटे वाला बच्चा है क्या है एज होगी इसकी? सुरेश है, इसकी उम्र 6 साल है। और 6 साल का ये है भगवान। चलिए दिखाइए। ऑल द बेस्ट। मलखम टीम वर्क और स्ट्रेंथ का इतना तगड़ा स्पोर्ट है और आप लोगों ने उसको इतनी बखूबी निभाया है। आपके कोच साहब को बहुत बहुत मुबारकें। ये आप डंडे पे चढ़े हो, मैं तो ये डंडे पे चढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी डंडी है जिसको मैं तोड़ सकता हूँ, जो इस सीजन पहली बार टूटेगी। छोटी तोड़ेगा? तोड़ 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 तोड़। उसकी टांग जितनी है वो। Hey, yo.
इसने सबको उल्टी चीजें सिखा दी हैं, कलाबाजियां। आई थिंक इन हाउस ग्रुप ने प्रूव कर दिया अपने आप को। बहुत ट्रिप्ड आउट से लोग आ गए हैं एकदम से। क्या नाम है आपके ग्रुप का? नमस्ते सर, हमारा नाम है वोक्ट्रॉनिका। तो वोकल और इलेक्ट्रॉनिका को जोड़कर अगर देखा जाए तो वोक्ट्रॉनिका। अगर मैं जो सोच रहा हूँ आप वो करने वाले हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो आप वो कर दीजिए, फिर लोग खुद ही समझ जाएंगे कि आप क्या करते हैं। जी सर, है ना? फिर भी आप जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझे जानम incorporated beatboxing into a cappella. Yes, ma'am. I love it. Very nice. Very nice. बड़ी खुशी होती है कि हम ये India's Got Talent Season 10 में 10 सालों के बाद भी
हम इतने नए नया टैलेंट इस मंच पर आ रहा है जो कि शायद हमने इस फॉर्म में पहले बहुत कम देखा है या नहीं देखा है. सो थैंक यू. जो आपने बेस बजाया ऐसा सब बेस मैंने नहीं सुना. एंड द ट्रम्पेट्स, द सब बेस, द पर्कशंस. थैंक यू. ये पूरा बैंड है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के. जो पिछले सीजन के हमारे विनर थे, वन ऑफ देम वाज अ बीट बॉक्सर, वन हाफ. तो हमारा मंच ऐसे, मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, अटपटे आर्ट फॉर्म को बड़ा सपोर्ट करता है. जी सर जी. मेरी तरफ से हाँ है. शिल्पा मैम आपके बोल. थैंक यू. थैंक यू. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू बिगिन. यू गाइस वर जस्ट ब्रिलियंट. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. डेफिनेटली आपको और सुनना चाहूंगी. आपको मेरा हुनर सलाम. मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है. थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से भी बहुत बड़ी हाँ है. मेरा नाम मिलना है. मेरा एज 6 इयर्स है. सिम्बा है मेरा बेस्ट फ्रेंड. क्योंकि सिम्बा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, सिम्बा भी मेरे को बहुत प्यार करती है. मेरे को सपना है कि सिम्बा भी मुंबई में आए, मैं भी मुंबई में आई और यहाँ से गोल्डन मेडल लेके जीत के जाऊँ घर में. और वो अमाउंट से सिम्बा और मैं आइसक्रीम, सिम्बा के लिए ड्रेस, मेरे को लिए ड्रेस, सब कुछ खरीद लूंगी. ओह माय गॉड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलिना इंद्रो है. और आपके फ्रेंड का? सिम्बा. क्या करने वाली हैं आज आप? एरियल एक्ट. एरियल एक्ट. ओ देख ऊपर लटक रहा है. ऑल द बेस्ट. शुरू करिए. मैं उसको रख. हाँ प्लीज. थैंक यू. मैंने एरियल एक्ट पहले भी देखे लेकिन मैंने 6 साल का कोई बच्चा नहीं देखा जो एरियल एक्ट कर रहा हो. और आप इतनी खूबसूरती से एरियल एक्ट कर रहे थे, इतने कॉन्सेंट्रेशन से एरियल एक्ट कर रहे थे ये वाला. और ऑब्वियसली मेरी तरफ से हाँ है इसके लिए.
जो आपने किया है वो बहुत कमाल, बहुत बहुत कमाल। अलीना एक्सीलेंट, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। कमाल का किया आपने बेटा, यू वर अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू, मेरी तरफ से भी हाँ। थैंक यू मैम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।